मयूरी और मयूरी का किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपी मिलती रहे। आज मैं आपको व्हाइट पास्ता बना के दिखाऊंगी जो बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। आप ये देख सकते हैं इसका कितना क्रीमी टेक्सचर है, बिल्कुल ये बाजार जैसा ही हमारा पास्ता बनेगा। बाजार वाले व्हाइट सॉस के साथ पास्ता कैसे बनाते हैं वो आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। व्हाइट पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पास्ता लिया है। पास्ता को हम कढ़ाई में डाल देंगे। मैंने यहाँ पे गेहूं के आटे के बने हुए पास्ता लिए हैं। अब हम उसमें एक ग्लास पानी डालेंगे। हम लगभग डेढ़ ग्लास के आसपास इसमें अच्छे से पानी मिलाएंगे। मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक छोटा चम्मच उसमें नमक मिलाऊंगी और एक चम्मच ऑयल। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर पानी का उबाल आने देंगे। आप ऐसे बीच बीच में हिलाते रहिएगा। यहाँ पे पानी का उबाल आ चुका है। अब हम पास्ता को अच्छे से पकने देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास्ता अब पक चुके हैं। देखिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ। देखिए इस तरह से ये बिल्कुल टूट रहे हैं और ये पक चुके हैं। अब हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे। अब मैं पास्ता को धो दूंगी अच्छे से। मैंने यहाँ पे ये जाली वाला स्टेप से ले आए कंटेनर। अब मैं इसमें अच्छे से धो दूंगी। पानी डाल देंगे, नॉर्मल पानी लिया है मैंने यहाँ पर, उसको अच्छे से धो देंगे। मैंने यहाँ पे पास्ता को अच्छे से धो दिया है। नीचे वाले बाउल का पानी फेंक दिया है। अब हम व्हाइट पास्ता बनाएंगे। व्हाइट पास्ता बनाने के लिए पहले हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में एक चम्मच बटर डाला है और थोड़ा सा हम उसमें ऑयल डाल देंगे। ये ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा बटर जल ना जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारा बटर और ऑयल गर्म होगा उसमें हम दो चम्मच मैदा डाल देंगे। अच्छे से इसको अब थोड़ी देर के लिए भून लेना है। हमने यहाँ पे मैदे को अच्छे से एक मिनट तक भून लिया था। अभी हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम यहाँ पर दूध मिलाएंगे। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा दूध मिलाइएगा और इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हैं धीरे धीरे गाढ़ा होगा, तो हमको थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है। मैदे को अच्छे से भूनिएगा, नहीं तो उसमें फिर दूध मिलाते टाइम लम्स रह जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा अच्छे से उबाल भी आ चुका है। मैदा अच्छे से दूध में ऑब्जर्व होके मिल भी चुका है। यहाँ पे आप मैदे में थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाइएगा ताकि आपको आइडिया लगे कि मैदा कितना दूध ऑब्जर्व कर रहा है। उस हिसाब से आप दूध आराम से ऐड कर सकते हो। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हम बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे, हमने ऑलरेडी पास्ता बॉईल करते टाइम डाल दिया था। अब आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी शक्कर। शक्कर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो मिलाओ, नहीं चाहो तो नहीं मिलाओ। आप बाजार में भी जब पास्ता खाते हो तो हल्का सा मीठापन आता है, तो वो थोड़ी सी शक्कर ऐड करते हैं। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम जो हमने यहाँ पे पास्ता बॉईल किया था वो मिक्स करेंगे। तो धीरे धीरे से हम पास्ता मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी टेक्सचर में है और कितना मस्त लग रहा है, बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है। अभी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे और उस पर अब हम एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे, उसके ऊपर कुछ मसाले डालेंगे, जो मसाले बिल्कुल आपको बाजार जैसा टेस्ट आएगा। तब देख सकते हैं कितना क्रीमी क्रीमी बना है। अब हम उसमें कुछ ऊपर से मसाले डालेंगे। अब हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालेंगे, ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स से इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल बाजार जैसा पास्ता घर में बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे जाने का टाइम आ चुका है। अब हम फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।